तो गाइस आज मैं करवाऊंगी कंपैरिजन टेस्ट। तो ये होता क्या है कि हमारे पास दो सीक्वेंस है, ए एन एंड बी एन, टू नॉन नेगेटिव सीरीज है हमारे पास। नॉन नेगेटिव सीरीज इन द सेंस कि एक पॉजिटिव सीरीज है, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव सीरीज है। तो ये कन्वर्जेंट होती है सीरीज, नॉन नेगेटिव सीरीज का मतलब ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट एन नॉट जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और ए एन है जो लेस देन इक्वल टू बी एन है। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, देन फर्स्ट इसमें बोल रखा है कि अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तब हम बोल सकते हैं कि ए एन कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो बी एन हमारा बड़ा है, ठीक है, अगर बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो हमारा छोटा वाला हिस्सा जो होगा ना वो भी कन्वर्ज करेगा, क्योंकि बड़ा वाला कर रहा है। अगर वो बड़ा कर रहा है तो वो छोटा भी हिस्सा करेगा, राइट। पर अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें, अगर छोटा वाला ही डाइवर्जेंट है तो हम बड़े को कैसे बोल सकते हैं कि वो भी मतलब कन्वर्जेंट हो सकता है। तो ये बात ही होती है कि लाइक अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि बड़ा है ना वो हिस्सा, जब वो बड़ा है तो वो कन्वर्जेंट है, तो उसका छोटा पार्ट भी तो कन्वर्जेंट ही होगा क्योंकि वो उसी के अंदर आ रहा है, राइट। वैसे अगर मैं डाइवर्जेंट की बात करूँ तो ए एन की यहाँ पर बात करी है पहले, तो अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट है वो तो छोटा है, अगर हम छोटे को ही हैंडल नहीं कर पा रहे तो बड़े वाले को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसीलिए अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा, ऐसे लिखते हैं इसको। अब एक दूसरा आता है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। दूसरा है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सपोज इसका भी प्रूफ है, बट आपको बता दूँ इसको भी ना मतलब कि एग्ज़ाम में ना इसका यूज़ आता है, इसकी कोई थ्योरम नहीं आती कि लाइक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को प्रूव करूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। तो वैसे इसमें दे रखी है तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मैं इसके आपको ना एग्जाम्पल ही करूँगी। तो सपोज इसमें ए एन बी एन वो भी दोनों सीक्वेंस होती है, टू नॉन नेगेटिव सीरीज है, और लेट कर लेते हैं कि अगर मैं ए एन अपॉन में बी एन उसके बाद मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो वो मुझे एल देगी। तब उसमें क्या क्या होगा, अगर हमारी लिमिट की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी के बीच में आ रही है देन हम बोलेंगे कि समीशन ए एन एंड बी एन या तो वो डाइवर्ज करेगी, मतलब कि हम उसके बारे में बता नहीं सकते, या फिर वो कन्वर्ज करेगी कि लाइक वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। बट अगर हमारी लिमिट की वैल्यू जीरो आ गई, जीरो आ गई मतलब क्या है कि बी एन जो है कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो ये वाला भी कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस, ठीक है। ऐसे ही इस बी एन अगर डाइवर्ज करेगा तो ये वाला भी डाइवर्ज करेगा, समीशन ऑफ ए एन डाइवर्जेस, ठीक है, ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है। तो चलिए इसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं, मैंने यहाँ पे लगा लिखा कंपैरिजन टेस्ट। हाँ चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है n प्लस में 6 अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n क्यूब है यहाँ पर n क्यूब प्लस में 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन, तो देखो सीरीज जो इस फॉर्म है, अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो उसको है ना उसकी डेफिनेशन को देखो, उसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए तब हम बोल सकते हैं देन देन करके, ठीक है। पहले उसमें एक बड़ी सीरीज और एक छोटी सीरीज होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ ऐसे करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एन प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट एन क्यूब प्लस 2, ये सीरीज बड़ी होगी ना इस एन अपॉन में अंडर रूट एन क्यूब प्लस 2, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 है एड में और यहाँ पर 6 नहीं है, कि ये चीज़ बड़ी हो गई ना और ऊपर से ऊपर ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये सीरीज बड़ी होगी इससे, तो ये बड़ी होगी। एंड नाउ अब ये सीरीज जो है, ये सीरीज और किससे मतलब ये किससे और बड़ी है, मतलब कि ये वाली सीरीज जो अब मैं लिखती हूँ वो किससे रहेगी, तो इसको मैं ले सकती हूँ एन अपॉन में अंडर रूट में एन क्यूब प्लस में एन स्क्वायर, ये सीरीज वो इससे भी मतलब बड़ी होगी, ये वाली सीरीज किससे बड़ी है, वो ऐसा इसीलिए क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पर ले देती हूँ अंडर रूट एन क्यूब प्लस में एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन अंडर रूट टू प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, ये वाली सीरीज ये भी एन क्यूब है, ठीक है, ये वाली सीरीज ये दोनों आपस में बड़ी होगी ना, देखो ये वाली सीरीज बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर एन का स्क्वायर ऐड हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर मैं एन की वैल्यू यहाँ पर मैं 100 डाल देती हूँ, ये 100 का स्क्वायर दे देगा, ये तो 2 का 2 ही रहेगा ना,
यहाँ पर दोनों n क्यूब है, तो इसकी वैल्यू ये भी चेंज हो गई, तो ये वैल्यू जो है बड़ी होगी। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर कर दूंगी, तो ऑब्वियसली ना जब इसका ऑर्डर रिवर्स होगा तो ये जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। तो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई ना, इस वाली वैल्यू से यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दिया, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वन, और इसको सॉल्व करूंगी यहाँ से एन स्क्वायर में कॉमन ले लूंगी, एन बाहर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, वन अपॉन में अंडर रूट एन प्लस वन, ठीक है, क्योंकि एन से एन कैंसिल भी हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब नाउ मेरी समेशन ऑफ सीरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन में अंडर रूट एन प्लस वन। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर रही हूँ, और इस एन को है ना मैं कहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, एन को मैं टू से ले रही हूँ इन्फिनिटी तक, तो यहाँ का जो वन है ना वो हट जाएगा, सिर्फ एन ही मिलेगा मुझे, क्योंकि देखो ना अगर मैं इसके अंदर वन ऐड करती हूँ, मतलब वन डालती हूँ एन की जगह वन डालती हूँ, तो मुझे अंडर रूट टू दे रहा है, ठीक है। तो मेरी पहली वैल्यू क्या है, जब मैं एन वन रखती हूँ तो वो अंडर रूट टू है, तो मैंने अगर इसमें से वन ही हटा दिया और यहाँ से डायरेक्टली सीरीज टू से स्टार्ट कर दी, तो मुझे फर्स्ट वाली सीरीज ही मिल गई, कि मैंने एन को टू रख दिया तो वन बाय रूट टू ही तो मिल गया मुझे इसमें भी। तो इसको ऐसा सीरीज ऐसे कर सकते हैं, इससे ऐसा हो जाएगा एंड दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंस, क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या है, अब मैं इधर लिमिट लगाऊंगी, देखो उससे पहले मैं यहाँ पर लगाती हूँ लिमिट, डाइवर्जेंस बताने के लिए क्या कहते हैं हम उसमें लिमिट लगाते हैं ना, यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी, लिमिट इसमें लिमिट लगाऊंगी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और ए एन मेरी सीक्वेंस, पहले वाली सीक्वेंस ये थी ना मेरी, देखो ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, पहले ए मतलब दो सीरीज होती है ए एन अपॉन में बी एन, ठीक है, तो ए एन अपॉन में बी एन, ए एन वाली ये वाली सीरीज थी एन प्लस में सिक्स अपॉन में से कैंसिल तो नहीं हो रहा है ये, इसको छोड़ो, यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पता चल रहा है, दिस इज डाइवर्जेंट, मैं डायरेक्टली लिखूंगा दिस इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सो देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं इज आल्सो फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम दे दो क्वेश्चन को, फर्स्ट इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है ना वो छोटी सीरीज है, ये सीरीज एक छोटी सीरीज है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहते हैं, अगर छोटी वाली सीरीज जो है, छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी वाली भी करेगी, और मैं इसको लेस देन करके गई हूँ ना, मतलब कि ये छोटी वाली सीरीज जब ये डाइवर्ज करती है तो ये वाली भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ऑलराइट, और ये समीशन ऑफ सीरीज है ना, इसको डाइवर्जन मैंने बताया वो इसीलिए क्योंकि एक मिनट बता दूँ आपको, सिमेट्रिक सीरीज टेस्ट है, ए एन कन्वर्स करना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक